श्री गुरु चरण मनाए के और धरूं हृदय में ध्यान आए ज्ञान घट दीजियो रे ज्ञान घट दीजियो रे हमारियो रे कोई कमल सहय ज्ञान श्रोता बंधु एवं प्यार करने योग्य बच्चों, सती सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति, आज हम तर्ज थाली रामायण में महाभारत का पवित्र आख्यान दर्शाने जा रहे हैं, जो कि सवल सिंह चौहान जी ने आदि पर्व में लिखा। देखते हैं कि मां गंगा की शादी किस तरह हुई और किसके साथ हुई। वन में घूम रही अजु गंगा धर नारिय को रूपाए, प्राणेश्वर की तलाश कर रही थी बनखड़ में। बन में घूम रही अजु गंगा धर नारिय को, अरे ढुलकिया हो नहार
कोए को मिटवैया गंगा स्त्री रूप को धारण की हुए वन में भ्रमण कर रही थी। राजा शांतनु शिकार के लिए वन में गए तो सुंदर स्त्री को देखा। लिखा सबल सिंह चौहान जी ने आदि पर्व 12 पृष्ठ में, राजा मोहे देख किनारी को देखा, लला गुड्डू राजा शांतन के होश उड़ गए। राजा मोहे देख किनारी, राजा मोहे देख किनारे, अब गंगा सो गिरा उचारी, अब गंगा सो गिरा उचारे, कौन सुंदरी हो तुम प्यारी, साथी कहो जी अरज हमारी, 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 राजा के न लगो समुझाए, कैसी घूम रही हो बन खड़ में, आने का हम कौन दे बताए, आने का हम कौन दे बताए, राजा शांतन ने जो गंगा को देखा कहने लगे वन में और तुम इतनी सुंदर कैसे घूम रही हो, इसका हमें भेद बताओ। आज मां गंगा कहने लगी है, अरे सभा मेरी तव गंगा ने कई भूप नहीं भेद बताऊं, वचन बता नहीं सकती, अपने मन की कोई बात कह नहीं सकती। अरे सभा मेरी तव गंगा ने कई भूप नहीं भेद बताऊं, और रे वचन बंद मुत ओई संग वानर के रे, इच्छा को प्रकट नहीं करूंगी महाराजा, जो मुझसे वचनबंद हो जाएगा वही मुझे प्राप्त करेगा। आज राजा शांतनु कहने लगे कि सुंदरी वो कौन सा वचन है, तो मां गंगा बताने लगी है।
गंगा ने तवनो कही और सुन लो वचन हमारे। माँ गंगा कहने लगी, महाराज मेरा क्या वचन है सो आप ध्यान से सुनो। गंगा ने तवनो कही और सुन लो वचन महाराजा। जो कछु करनीय करूं जगत में, रोके नहीं कंत हमारे, कहने लगी महाराज मैं अपनी इच्छा उसे प्रकट करूंगी और उससे विवाह करूंगी कि मेरा प्राणेश्वर मुझसे किसी काम की मने नहीं करेगा, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, चाहे किसी को मारें या किसी को जिंदा करें, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो मुझसे वचनबद्ध हो जाएगा। आज माँ गंगा ने समझाया तो महाराजा ने हाँ कर दिया। क्यों हाँ कर दिया? क्योंकि माँ गंगा बहुत सुंदर थी। राजा वचन बंद हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया कि गंगा ने मुझसे क्या वचन लिया है। और माँ गंगा की सुंदरता को देखकर कवि ने कल्पना की, चेहरा सुअर चमक की न्यारी मैया है मोतिन को लला। योगेंद्र राजा भूल गए, सब कुछ भूल गए, क्योंकि माँ गंगा इतनी सुंदर थी। चेहरा सुअर चमक की न्यारी मैया है मोतिन को हारे। अरे ढुलकिया धीरे धीरे पलक चलावे, कोई रूप दयो कर तारा सांतन। माँ गंगा की सुंदरता को देखकर वचनबद्ध हो गए और कहा, महारानी तुम जो कहोगी उसी को हम करेंगे। अरे सभा मेरी देख सलोनो रूप मात को,
आज महाराजा माँ गंगा को वचन देकर अपने घर ले आए और कश्मीर भैया राजा बहुत ही प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? उसे पता नहीं कि आगे भविष्य में क्या होना है। वो तो स्त्री के प्यार में सबल सिंह चौहान जी ने बताया कि अंधा हो गया, उसे राजपाट का कोई ध्यान नहीं रहा, प्रजा का कोई ध्यान नहीं रहा। इसी के साथ साथ कुछ समय बीत गया, क्या हुआ? निस दिन महल रहे राजा जी मन में खुशी अपारा है। राजा बहुत ही प्रसन्न है, क्यों? कैसे स्त्री के पीछे बड़े बड़े विद्वान कश्मीर भैया तपेश्वरी और धर्मेश्वरी सब कुछ भूल गए। निस दिन मेल लहे राजा जी मन में खुशी अपार। अरे ढुलकिया कछु समय के बाद भवन में, मोए राजकुमारा के साथ बहुत ही सुंदर समय गुजरा। और कुछ समय के बाद मैया गंगा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। और अवधेशु जब राजा ने सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्यों? कि पुत्र का जन्म हो गया। राजा ने आज खुशी मनाई, जब सुना कि भवन में मेरे यहाँ पुत्र पैदा हो गया। राजा ने आज खुशी मनाई, बेपन को रयो दान लुटाई, प्रण को रयो दान लुटाई, आज राजा ब्राह्मणों को दान देना शुरू कर देता है। और उधर माँ गंगा क्या करती है शास्त्री भैया? गंगा ने नई देर लगाई, गोद में बेटा लयो उठाई, गोद में बेटा लयो उठाई, पहुंच गई है गंगा पे जाई। श्रोता कहत कहिए नहीं जाए, अपनी गोद को मातन बेटा, आ कोई जल में दयो बहाए, we
महाराजा इधर तो विप्रों को दान दे रहे हैं, परंतु उधर मां गंगा पुत्र को लेकर और गंगा पर पहुंच गई। बहुत छोटे बच्चे को अपनी धार में अर्पण कर दिया। क्या हुआ? अरे मेरे भैया इतनी बात सुनिए महाराजा, जो महाराजा ने सुना कि नादान बच्चे को गंगा ने और गंगा की धार में अर्पण कर दिया। अरे ढुलकिया इतनी बात सुनिए महाराजा, ठाड़े की धरन पे गिर गयो, महाराजा ने जैसे ही सुना जमीन पर राजा गिर गया, बेहोश हो गया, रुदन करने लगा और कहने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो पहले ही वचन में हार गया था। और सतीश भैया जनता बुरी तरह की अनर्गल बातें कर रही है, कह रही है कि राजा तो पत्नी के प्यार में अंधा है, जे कछु कहते ही ना, जरा सा बच्चा गंगा में डाल दिया परंतु महाराजा कुछ नहीं कहते। इसी तरह जनता राजा के सामने कह नहीं सकती परंतु जनता विचार कर रही है। और मां गंगा ने एक ही नहीं इसी तरह सात पुत्र अपनी धार में अर्पण कर दिए। बताया सबल सिंह चौहान जी ने आदि पृष्ठ, एक ती एक सुवर अवतारी, ऐसी बात नहीं है कि मां ने पुत्र को जन्म दिया बहुत सुंदर थे, एक ती एक सुवर अवतारी, मात गंगा में तारी, जने मात गंगा में तारी, लेकिन प्रभु की लीला न्यारी, भूपति गयो बचन में हारी, राजा गयो वचन में हारी, बेटा दे गंगा में डारी, फड़क फड़क के जान बिसारी, फड़क फड़क के जान बिसारी, श्रोता ध्यान बिसर नहीं जाए, सात पुत्र मैया गंगा ने आ कोई धार में दे बहाए,
माँ गंगा ने सात पुत्र अपनी धार में अर्पण कर दिए। आज राजा पर चौथापन आ गया, राजा सर्वस्व दुखी है। मैं कहूं तो कैसे कहूं, यदि कहता हूं तो कश्मीर भैया राजा बहुत भयभीत है, क्योंकि स्त्री छोड़कर चली जाएगी। प्यार में बहुत अंधा था, बोले तो कैसे बोले। परंतु राजा ने अब की बार निश्चय कर लिया कि चाहे गंगा रहे या मत रहे, परंतु मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। आठों लला गर्भ में आयो गयो भूप बुढ़ापे की ओर आए। आठवां गर्भ जब गंगा के उदर में आया, राजा की काया बहुत निर्बल हो गई, बुढ़ापे की तरफ चला गया। आठों लला गर्भ में आयो गयो भूप बुढ़ापे की। अरे ढुलकिया काया निरवल भैय भूप की। जब आठवां गर्भ आया, महाराजा बहुत ही कमजोर हो गए, उठा बैठा नहीं जाता, स्त्री के सामने कहें तो कैसे कहें। और कवियों ने लिखा कि राजा सर्वस्थ दुखी है। क्यों दुखी है? दुनिया में दुख चारे और करी ले सोच विचार। सतीश भैया, दुनिया में कवियों ने सबसे भयंकर चार दुख बताए हैं। दुनिया में दुख चारे और कर लो सोच। अरे ढुलकिया धरन हरन भैया अमरन रे। काल के कवियों ने लिखित प्रमाणित कर दिया कि संसार में सबसे भयंकर चार दुख हैं। पुत्र का दुख सबसे भयंकर बताया है। किसी का एक पुत्र मर जाए, पिता के नेत्रों की ज्योति चली जाती है। परंतु राजा शांतन के सात पुत्र मारे जा चुके, उसी गम में काया बहुत निर्बल हो गई, जिंदगी बहुत नीरस बन गई। इधर क्या हुआ,
मेरे भैया इधर बताऊं राज महल में, इधर तो राजा कुड़ कुड़ कर अपने जिंदगी की मौत के जीवन के दिन पूरे कर रहा है और इधर क्या हुआ। अरे ढुलकिया इधर बताऊं राजभवन में, कोई ललाया ठमो है गायो, ने आठवें पुत्र को महलों में जन्म दिया। राजा तो उस अंतिम घड़ी को देख रहा था और मन में विचार कर रहा था कि अब की बार गंगा रहे चाहे चली जाए, परंतु पुत्र को नहीं दूंगा। राजा शांतन भाग कर महलों में पहुंचे, परंतु महलों में पहुंचने से पहले क्या हुआ, लेके पुत्र चलिए अजु गंगा पल नए करिए अवार, माँ गंगा पुत्र के जन्म के होते ही पुत्र को लेकर जो पहले कार्य किया करती थी उसी को करने चल दी। लेके पुत्र चलिए अजो गंगा पल नए, अरे सभा मेरी देखिए दशा आज भूपति ने, कोई भूप पिछारी पर गयो, भूप पिछारी पर गयो, मैया गंगा जो पुत्र को लेकर चली महाराजा की काया बहुत कमजोर थी, परंतु भागकर उसे मां गंगा को रोक लिया और दोनों हाथ जोड़ के राजा विनती करने लगा। अरे महारानी अब मति बंस डूबे जग में, आगे खड़ा हो गया। अरे मेरी रानी अब मति बंस डूबे जग में, आ मेरा जीवन है बेकारा, राजा
माँ गंगा से दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा और कहने लगा, बिन बेटा घर आंगन सुनो सुनो ए सवरु जिगारा रे, महारानी करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है परंतु पुत्र के बिना बेकार है। सैकड़ों व्यापार चल रहे हैं परंतु पुत्र नहीं है तो व्यापार किसी काम के नहीं है। बिन बेटा घर आंगन सुनो सुनो ए सवरु जिगारा रे, अरे मेरी रानी बिन बेटा के जग दुनिया में, कोई पति पत्नी को देख पा रहा है, नहीं हो तू सुरग सम्माना राजा। स्पष्ट कहने लगे, महारानी बिना पुत्र के जनता तो क्या, स्वर्ग में देवता भी सम्मान नहीं करते और देवता इज्जत नहीं करते। यदि दोबारा इंसान की योनि मिलती है, महारानी नरक को भोगने के बाद मिलती है। निसंतान प्राणी चाहे कितने अच्छे भी कर्म करे परंतु 84 के फंदे में जाकर दोबारा इंसान की योनि में आने का अधिकार है। आज मां गंगा जान गई और कहने लगी, महाराज तुमने मुझसे क्या वायदा किया था। परंतु राजा फिर कहने लगा, हाथ जोड़ के गिरा उचारी, महाराजा दोनों हाथ जोड़े भिखारियों की तरह खड़ा है। क्यों कश्मीर भैया, अपनी बात में फंस जाना ही हार होती है और अपनी बात से निकल जाना ही जीत होती है। एक बात जिंदगी भर रुला देती है और एक ही बात जिंदगी भर हंसा देती है। राजा ने विवाह करते समय कोई ध्यान नहीं दिया, आज सर पटक पटक कर जमीन पर मां गंगा से अरदास करता है। हाथ जोड़ के गिरा उचारी, सुन ले मेरी प्राणन की प्यारी, मेरी प्राणन की प्यारी, अब नहीं मानूंगा बात तुम्हारी, अब नहीं मानूंगा बात तुम्हारी, माने बात मेरी होती है ख्वारी, बात मेरी होती है ख्वारी, सजनी मती करे अपघात, अंतिम समय आज मेरो बेटा आ कोई पकड़ाई दे मेरे हाथ है।
राजा के नेत्रों से अश्रुधारा चल रही है और कह रहा है, महारानी अंतिम पुत्र को आप मुझे दे दो। पुत्र अब हुआ न हुआ, इसलिए वंश को मत डुबाओ, मेरा कहना मानो। आज मां गंगा राजा शांतन से कहने लगी है, अरे ढुलकिया सुनी भूप की बात, बचन गंगा ने सुनाए। शांतन ने पुत्र को मांगा, अरे ढुलकिया सुनी भूप की बात, बचन गंगा ने उचारे। और रे करो पुरानी याद भये का कोल रे पुरानी याद भूल गए, मेरा और तुम्हारा क्या निर्णय हुआ था, और फिर भी तुम पुत्र की बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ से धन और धर्म दोनों चीजें जाने वाली हैं। क्यों? आज मैया गंगा राजा से कहने लगी है, लालन पालन करोगे कैसे दीजे तनिक बताए। क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? एक अबोध बच्चा पिता के बिना रह सकता है, परंतु माँ के बिना नहीं रह सकता। लालन पालन करोगे कैसे दीजे नाथ बताए। करता बिन मैया के बेटा जग में, बिन मैया के बेटा जग में, बेटा जग में। आ कोई भटक भटक मर जाए, स्वयं विचार करो कि एक अबोध बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ से धन और धर्म दोनों चीजें जाने वाली हैं। राजा ने समझाया, महारानी अनहोनी होनी नहीं और होनी है सोई हो। माँ की बात कर रही हो और पिता की बात कर रही हो। संसार में जिसे परमात्मा ने जन्म दिया है उसकी आयु उसी दिन लिख दी। माँ से कोई संबंध नहीं, पिता से कोई संबंध नहीं। अनहोनी ना होती जगत में सुन लो ध्यान, मेरी सजनी जो करता ने लिखी है कहानी, जो करता ने लिखी है कहानी, हमने लिखी है कहानी।
ब्रह्म ने लिख दिया रानी, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। और तुम पालने की बात कर रही हो कि पुत्र को मैं कैसे पालूंगा, तो सुनो कैसे पालूंगा। पल पल पुत्र को गोद झुलाऊं, मेरे पर कोई और कार्य नहीं है। एक वंश को चलाने के लिए इंसान लाखों कोशिशें करता है महारानी। पल पल लला को गोद झुलाऊं, छोड़ के कुमर कहूं नहीं जाऊं, पुत्रा लगे तो दूध पिलाऊं, पुत्रा लगे तो दूध पिलाऊं, हरदम बेटा की टहल बजाऊं, धर के ध्यान बेटा जी मूरी जगत दुनिया में आ कोई सवकाऊ के ना है। राजा मां गंगा से स्पष्ट कहने लगा, महारानी पुत्र कोई सरोवर का पानी नहीं है जो कि प्रत्येक के यहां मिल जाएगा। एक से एक धनवान मिल जाएगा, एक से एक गुणवान मिल जाएगा, एक से एक ज्ञानवान मिल जाएगा, परंतु महारानी पुत्रवान नहीं मिल सकता। आज मैया गंगा जान गई कि महाराजा मानेंगे नहीं, तो राजा शांतनु को पुत्र दे दिया। और चलते समय मैया गंगा ने मन में विचार किया कि पुत्र का भविष्य देख लो। और मां गंगा दोबारा राजा शांतन से पुत्र को मांगने लगी है। हाथ जोड़ी गंगा कही और नैननी रह गयो, नेत्रों से सुधारा चलने लगी। राजा शांतन से दोबारा पुत्र मांगने लगी और कहा, महाराज माता तो आविष्कार जननी होती है, इस पुत्र को दोबारा मुझे दे दो। राजा कहने लगा, महारानी अब नहीं दूंगा। बहुत रानी अधीर हो गई तो राजा शांतन ने पुत्र को दोबारा दे दिया। अरे सभा मेरी बेटा गोद दयो राजा ने, बेटा गोद दयो राजा ने, दयो राजा ने। महाराजा शांतन ने पुत्र को दोबारा दे दिया। अरे सभा
शांतन से पुत्र को लेकर स्वर्ग में पहुंची, जहां इंद्र वरुण यम एक से एक धुरंधर देवता बैठे हैं। उनके सामने पुत्र को रख दिया और मैया नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए देवताओं से बोली है, हे नादान उमर बेटा की बिन मैया को लाला, भैया कब तक लला चले धरनिया पे, देवताओं से पूछने लगी है। देवतागण असमंजस में पड़ गए, क्योंकि मैया ने ऐसा सूचक शब्द पूछा था। और देवता बताने लगे, जोगी जति संत बैरागी गए खोज खोज के हारे, इसके मामले में क्या बताएं, इसके मामले में तो एक से एक तपेश्वरी और धर्मेश्वरी हिसाब लगा के चला गया। जोगी
जति संत बैरागी गए खोज मेरी मैया का उन पार मिलो होनिया को हम क्या बताएं इसके मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, आप कुछ और कहो। अरे ढुलकिया तब मैया ने कई वचन देवन से उचारे और रे अजय करो मेरो लाल सके नारण में उजो तुम्हारी सेवा जवलों सस्त रहे करमाई तीन लोक कोई जीते नाई तीन लोक कोई जीते नाई सुन लो उधर के ध्यान अस्त शस्त्र को होई गो दाता आ कोई जीत सके न जहाने के जाओ मां तुम्हारा पुत्र रण में अजय रहेगा और जब तक इसके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक स्वयं किसी के हाथों से मर नहीं सकता। अरे सभा मेरी ले वरदान चलिए यजु गंगा पास भूप के आए मैया गंगा पुत्र को लेकर चल देती है और इधर राजा शांतनु पल पल व्याकुल है, विचार कर रहे हैं कि मेरे हाथ से धन और धर्म दोनों चीजें चली गई,
मुझे लगता है कि गंगा पुत्र को भी ले गई और स्वयं भी चली गई। हिलकी भर गयो रोई भूपया जो होन लगो मजबूरा हिलकी भर गयो रोई भूपया जो होन लगो मया ढुलकिया टप टपया सुह गिरे धरन पे आखिन ती बरस रहो नीरा गंगा ने राजा शांतनु को पुत्र दे दिया। राजा विचार करने लगा कि चलो ये तो अच्छा हुआ, अब न गंगा जा रही और न हमारा पुत्र जा रहा। परंतु मैया गंगा क्या काम करने लगी है, अनहोनी ना होती जगत में होनी है सोई राजा मैंने पुत्र का फर्ज पूरा कर दिया। अनहोनी ना होती जगत में होनी है अरे मेरे राजा हार गए वरदान जगत में तुम्हारा वरदान टूट चुका है, मैं अपने प्राणों का अंत करूंगी। जो राजा ने सुना, अरे मेरे भैया सुने रानी की बात दुख भय भूप करारे उठ खा तू पचार मूल धरनिया तेरे
आज राजा नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए बोला, महारानी मैं तुम्हारा परित्याग नहीं कर रहा, परंतु मेरा वंश संसार में डूबने जा रहा है, इसलिए मैं पुत्र को तुमसे भीख मांगता हूं। भूपति विधि विधि करे निहोरे, राजा बार बार विनती कर रहा है। बताया जाता है कि स्त्री जो हट पकड़ लेती है उसे पकड़ लेती है। भूपति विधि विधि करे निहोरे, नार के जोरे गंगा मान बचन कछुमोरे, गंगा मान बचन कछुमोरे, मति तोड़े संबंध घनेरे, बेटा की खातिर जगह दुनिया में आ मैं हार गयो बरदाना, मैं वचन से वंचित होने जा रहा हूं। परंतु श्रोता बंधुओं, आज मां गंगा ने राजा की कोई बात नहीं सुनी और सबल सिंह चौहान जी ने आदि पर्व 14 प्रश्न में लिखा कि राजा के विनती करते करते मां गंगा ने क्या किया, अरे सभा मेरी याद पर वज 14 प्रश्न में, आज पर्व 14 प्रश्न में सबल सिंह चौहान जी ने लिखा, अरे सभा मेरी याद प्रश्न आज 14 पर्व में, रे सवल सिंह चौहाना है, में सबल सिंह चौहान जी ने लिख दिया कि मां गंगा राजा के विनती करते करते अंतर ध्यान हो गई। गंगा को दयो है विवाह सुनाई,
वा सुनाई ढोलक योगेंद्र ने बजाई चिमटा गुडू रे चटकाई मेरे साथ बाजे पर प्रमोद शास्त्री संगत कर रहे हैं, ढोलक पर योगेंद्र बेटा, चिमटा पर गुड्डू भैया, थाली पर कश्मीर भैया, स्वर की सारद करने वाले हैं संत कुमार, चाचा बखेड़ी सिंह और सुरेश भैया, बेटा योगेश और अवधेश भैया मेरे साथ में बैठे हैं। अरे सभा मेरी आज कथा तो यहीं रुकती है, कमलेश करो गुड़ गाना।